प्यारे बच्चों, पहली वीडियो में हम सर्वनाम किसे कहते हैं के बारे में जान चुके हैं। आज हम करेंगे सर्वनाम के भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वक्ता द्वारा खुद के लिए, तुम और आप, सुनने वाले के लिए, और यह, वह, ये, वे, किसी और के बारे में बात करने के लिए आदि का प्रयोग किया जाता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब कुछ पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण भी देख लेते हैं। मैं घर जाना चाहती हूँ। आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। तुम जब तक आए तब तक वह चला गया। आजकल आप कहाँ रहते हैं, या वह पढ़ने में बहुत तेज़ है। इन सभी वाक्यों में मैं, आप, तुम, वह, आप, वह, ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किए गए हैं बच्चों। दूसरा निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, अपने देश की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है, वहाँ जो गाड़ी खड़ी है वह मेरी है। इन सभी वाक्यों में मैं, मेरा, मेरी, ये सभी शब्द निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं बच्चों। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यह, वह आदि निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं बच्चों। वाक्य, यह कार मेरी है, वह मोटरबाइक तुम्हारी है, ये पुस्तकें मेरी हैं, वे मिठाइयाँ हैं, यह एक गाय है, आदि सभी वाक्यों में यह, वह, ये, वे, यह सभी निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं बच्चों। अगला सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी बच्चों, जहाँ पर किसी बात की निश्चितता नहीं होती, केवल संभावना होती है, वहाँ पर हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं जैसे कुछ, कोई आदि। मुझे कुछ खाना है, मेरे खाने में कुछ गिर गया, मुझे बाजार से कुछ लाना है, कोई आ रहा है, मुझे कोई नज़र आ रहा है। प्यारे बच्चों, इन सभी वाक्यों में कुछ, 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 कोई, कोई आदि शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण, जैसे यदि वाक्य में कौन, क्या, कब, कहाँ आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक
सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है बच्चों। जैसे उदाहरण के तौर पर पहला वाक्य देखो तो कौन आया है, दूसरा वाक्य आपने क्या खाया है, तीसरा मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, चौथा तुम बाजार से क्या लाए हो, पांचवा वर्तमान में तुम क्या करते हो। इन सभी वाक्यों में कौन, क्या, कौन, क्या, क्या, ये सभी वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं बच्चों। और आखिरी यानी नंबर 6 सर्वनाम है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों संबंधवाचक में संबंध की बात की जाती है यानी किसी रिलेशनशिप की बात की जाती है। संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण, जैसे यदि वाक्य में जो सो, जैसा वैसा आदि शब्दों का प्रयोग हो तो प्यारे बच्चों वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के लिए जैसी करनी वैसी भरनी, वाक्य में जैसी वैसी शब्द आया है तो यह संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान है। दूसरा उदाहरण, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। इस उदाहरण में जो का संबंध सो से है यानी जो सो शब्दों का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। तीसरे उदाहरण में जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यहाँ भी जैसा और वैसा शब्दों का प्रयोग किया गया है तो जिन वाक्यों में ये शब्द आते हैं वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज आपने सर्वनाम के भेदों के बारे में जाना, अब इन्हें ध्यान से वीडियो में देखकर अपनी कॉपी में नोट करें।